आप सबको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सरल सुगम और सुंदर व्यतीत हो, कभी किसी चीज की कमी आपको महसूस नहीं हो, ऐसी प्रार्थना है श्री ठाकुर जी से। तो ये हरियाली तीज की बड़ी महिमा है, उत्तर भारतीय इसे बहुत भव्य मात्रा में मनाते हैं। इस दिन बहने माताएं अपने पतिदेव के यहाँ से मायके जाती है और बहुत सुंदर उपहार स्वरूप वस्त्र अलंकार इत्यादि भेंट रूप में स्वीकार करती है। और गांव में आज भी आप देखेंगे तो गांव में बड़ी धूमधाम बड़ी रीति से यह तीज को मनाया जाता है, इस हरियाली तीज को, क्योंकि गांव में प्रायः चारों ओर हरियाली छाई हुई होती है। इतना सुंदर हरियाली नज़र आती है कि इस हरियाली को देख करके गांव वाले विचार करते हैं कि ऐसी हरियाली हमारे जीवन में रहे। और हरियाली तीज शिव जी को अति प्रिय है, इसलिए इन श्रावण मास में शिव जी की भक्ति बहुत फलदायी होती है। शिव जी चिरकाल से अपनी प्रिय पत्नी उमा सती पार्वती से बिछड़े हुए थे, तो पुनर्मिलन होता है, इसलिए इस हरियाली तीज की बड़ी महत्वता है अपने जीवन में, कि शिव जी को परम प्रसन्न करने कराने वाला पर्व है ये पूरा महीना, और विशिष्ट ये तिथि भी विशेषकर स्त्रियों माताओं के लिए। तो इस दिन सुंदर स्नान इत्यादि करके अलंकार से सुसज्जित होकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको सुंदर वर मिले, या हमारा जीवन सुंदर व्यतीत हो, या हमें कभी धन संपत्ति की कमी महसूस नहीं हो, ऐसी प्रार्थना शिव जी से करनी चाहिए। और शिव जी बड़े कृपालु हैं, शिव जी प्रदान भी करते हैं। माँ जानकी माता सीता स्वयं पार्वती जी की पूजा करती थी इन सारी तिथियों के अंदर, तो बड़ी महत्वता है इस तीज की। ये तीज श्रावण मास में भी मनाई जाती है, कुछ लोग इसे भाद्र मास में मनाते हैं, भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को, श्रावण मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को। तो बहुत बड़ा महत्व है इसका। इस दिन गांव में सुंदर व्यंजन बनाते हैं, बहुत सुंदर झूला भी झूलते हैं, चारों ओर हरियाली, मन प्रसन्न रहता है, एक दूसरे के साथ प्रेम आदान प्रदान होता है, प्रेम बढ़ता है और भगवत कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इस अक्षय इस तृतीया तिथि को मनाना चाहिए बड़े धूमधाम। शिव जी से मांगना चाहिए कैसे उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, भगवान की भक्ति में लगे रहें, उनकी कृपा बनी रहे। तो बहुत बड़ी महत्वता है इस तिथि की, तृतीया तिथि की। तो आप सबको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है, मिलती रहेगी। आपसे निवेदन है इसको लाइक करें और भी लोगों के पास शेयर करें चैनल को, वीडियो को। और इस पर अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ अपना प्रस्ताव देना चाहते हैं तो निसंकोच आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। इसमें केवल आध्यात्मिक वीडियो डाले जाते हैं, ताकि आध्यात्मिकता में लोगों की रुचि बढ़े और संस्कृति बने, संस्कृति अपनाएं और अपने जीवन को सुगम सरल और सुंदर व्यतीत करें। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है और कोई उद्देश्य नहीं है। हरे कृष्णा।